हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सिद्धेश्वर स्टडी पॉइंट। तो जमती कि मुझी यही सात तारीख जून सात रु आम कौन स्टार्ट प्लस टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो आज आम आरंभ कर दीचु प्लस टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुझे। तर तो प्रथम चैप्टर वन कौन अच्छे चैप्टर वन रे ना मैथमेटिकल रीजनिंग बुझे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग विषय आज पढ़ा किसी आरंभ करदे हाँ कि नहीं। अच्छा तो चलो बेसी किसी आज समय ने भी नहीं डिरेक्ट पाठ को जीवा। अच्छा ता पूर्व कही दूसरी जो सब मोर वीडियो जो सब प्लस टू भाई भौनी माने देखु प्लस टू फर्स्ट ईयर बुझी तो से माने कौन करो ना तुम सांगसाथी मानक सेयार कर जहाँफल कौन हम ना पूरा फ्री अफ कस्ट बुझी पूरा फ्री अफ कस्ट पूरा फ्री अफ कस्ट समस्ते पूरा अकॉर्डिंग टू सी एच एस सी बोर्ड सिलेबस अनुसार पूरा फास्ट टू लास्ट जाए मैथमेटिक्स सिलेबस पूरा फ्री में कम्प्लीट कर बुझी। आउ जहाँ भी किसी डाउट रही तुम मैंने कौन कर मत कमेंट सेक्शन में पचारि पार ना मोर नंबर दे दूँगी बुझे। 7064230128 ये नंबर में मतलब व्हाट्सअप कर ना डायरेक्ट कॉल करी तो डाउट असुविधा हम मतलब पचारि पार बुझे। नो डाउट किसी भी ऑब्जेक्शन ना ये फोन कले कि मेसेज कले आमको जदि जहाँ दरकार हुए PDF नोट सब मुझे प्रोवाइड करदेवि ठीक अच्छे। तो डोंट वरी तो आज आम जा फर्स्ट टॉपिक रीजनिंग आग को ठीक अच्छे। तो चलो तो आज आम कौन पढ़ा ना रीजनिंग पढ़ा ठीक अच्छे। कौन पढ़ा रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। अच्छा रीजनिंग माने कौन कहल कौन से गोटे कथ कह इन मैथमेटिकल टर्म आम गोटे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दबा बा मैथमेटिकल गोटे कथ कह तो कौन दरकार छुआ ना रीजनिंग दरकार। रीजनिंग इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर टेल ए कौन कहपाई ना गोटे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दवापाई रीजनिंग बहुत आवश्यकता रही मनुष्य से बहुत स्मार्ट बा क्लेवर कह जाए कहीं मनुष्य पाखे चिंता करार शक्ति बहुत अधिक अच्छी तार रीजनिंग रीजन करार कारण तो पाखे अच्छे बुझे। से जेकोसी भी किसी कहूर तो मनुष्य पर कौन गोटे रीजन खोजे बुझे। से ठीक हो कि भूल कथ कहू आईदर ठीक कथ कहू कि भूल कथ कहू मनुष कौन कै गोटे रीजन करके कहे आईदर से कही कथा भूल हो पाए कि ठीक हो पाए कि गोटे रीजन करके कहूँ ना। तो से विदाउट रीजनिंग आम कि भी करना इन मैथमेटिकल सेंटेंस कहे कौन हम ना आमे जहाँ भी किसी करवाई कौन दरकार आमको ना रीजनिंग दरकार। रीजन जेकोसी आम कम कर रीजनिंग दरकार ना। तो आस छुआ रीजनिंग विषय आम पढ़ा बुझे। तो रीजनिंग पढ़ा पर टर्म अच्छी कौन ना फास्ट प्रपोजिशन कौन कौन स्टेटमेंट प्रपोजिशन छुआ कौन ना प्रपोजिशन। अच्छा जो प्रपोजिशन क्या कह मुझे डेफिनेशनटा लिखी दूसरी तापर मुझे पूरा क्लारिटी हिसाब से बुझेदेवि ठीक अच्छे। ओके ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रपोजिशन बट नॉट बोथ। छुआ बुझे मुझे कौन कह डेफिनेशन राइट डाउन लिखी दियो प्रपोजिशन बा स्टेटमेंट रो कौन डेफिनेशन कौन कौन कह छुआ से ना ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रपोजिशन बट नॉट बोथ। छुआ बुझे कौन कहली ना गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुझे। अच्छा छुआ मन में सन्देह आस डिक्लेरेटिव सेंटेंस अर्थ कौन बुझे। तो छुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो आइदर से कौन अस्थिवाचक बा नास्तिवाचक डिक्लेरेटिव सेंटेंस मान अस्थिवाचक वाक्य बा उड़िया कहते कौन नास्तिवाचक अस्थिवाचक वाक्य बा नास्तिवाचक वाक्य। अच्छा छुआ अस्थिवाचक वाक्य कौन नास्तिवाचक वाक्य कौन कही दूसरी मन रख अस्थिवाचक वाक्य मैंने कौन ना पे मैंने तुम्हें सब उड़िया ग्रामर पढ़ी थो जे धर तो गोटे एक्जामपल नौ राम हाट को जाइए एवटे कौन अस्थिवाचक वाक्य हाँ कि ना जाइए वाक्यटा कहीदेवी से सेंटेन्सटा को कहीदेवि राम हाट को जाई ना ना ही उच्चारण हो सेंटेन्स कौन नास्तिवाचक। तो हाँ हेले अस्थिवाचक ना हेले नास्तिवाचक क्लीयर। अच्छा तो आम बुझीपारे ना गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रपोजिशन बट नॉट बोथ। गोटे सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस से आइदर ट्रू आइदर माने किंबा सत्य होइतिबो बा ट्रू होइतिबो किंबा फॉल्स होइतिबो गोटे दुटार गोटे होइतिबो बुझी आइदर से ट्रू होइतिबो नहले से फॉल्स होइतिबो देले ताको आमे कौन कहबा प्रपोजिशन बोली कहबा बा स्टेटमेंट बोली कहबा बुझी। किंतु दुटा बट नॉट बोथ दुटा तो कही नथिबो गोटे वाक्य जदि दुटा तो कही नथिबो सत्य होइतिबो मिथ्या होइतिबो एटा को प्रपोजिशन कहबा नै किंबा यह संभव ही हबो नै। त
प्रपोजिशन आम क्या कहे बुझेगा कौन ना गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आइदर ट्रू और फॉल्स सत्य होइतिबो नले मिथ्या होइतिबो सत्य हेले भी आम प्रपोजिशन कही पारिबा मिथ्या हेले भी ताको आम प्रपोजिशन कही पारिबा किंतु दुटा ताको हेले आम कही पारिबानी क्लियर दे एग्जांपल नबा तो सो एग्जांपल देखो मु कहबी भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा सब बुझी एटा गोटे प्रपोजिशन हबो ना हबो नी कहिलो भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा एटा कौन भुवनेश्वर होची ओडिशा राजधानी एटा ट्रू ना फॉल्स सत्य ना मिथ्या एटा सत्य तमटा कौन ट्रू सेंटेंस ट्रू लिखि दउची बुझी होची तो भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा दिस इज ट्रू हाँ कि नहीं तो ये गोटे कौन डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन प्रपोजिशन हो पारे नहीं पार कहीं कही ना जोटा आइदर ट्रू हो आइदर फॉल्स हो सत्य हो पारे कि मिछ हो पारे ताको आम कही पारा तो यह ट्रू अच्छे सेंटेन्सटा तो या आम कौन कही पारा प्रपोजिशन पूरा सब फंडामेंटल क्लीयर कर जाओ बुझे टाइम लगे कि भल कि पढ़ा ठीक अच्छे नेक्स्ट आउ गोटे मुझे एग्जांपल कौन ने ना चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र अच्छा सब देख लो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एटा ट्रू सेंटेंस ना फॉल्स सेंटेंस सो चेन्नई होची कहारो राजधानी कहारो कैपिटल ना तमिलनाडु रो एरे हम दे छी कोन महाराष्ट्र बुझियो छी तो एटा फॉल्स सेंटेंस फॉल्स तो छवा बुझियो छी तो गुटे सेंटेंस हम पाले ट्रू गुटे सेंटेंस होले फॉल्स तो ये भी हमर प्रपोजिशन हे पारिबो ये भी हमर प्रपोजिशन हे पारिबो काहे कि ना हम डेफिनेशन रे कहि छी कि जो सेंटेंस ता आइदर ट्रू आइदर फॉल्स हेतो ताहाकु हम गुटे प्रपोजिशन बोली बा स्टेटमेंट बोली कहि पारिबा किंतु यदि बोथ हेतो ट्रू भी हेतो फॉल्स भी हेतो हे पारिबो कि हबो कि सेला हबो नि प्रपोजिशन क्लियर छवा एग्जांपल माध्यम देखै दिली क्लियर आगु बढ़िबा ओके तो छुआ एबे आमे पढ़िबा कौन ना कनेक्टर्स बुझे एबे आमे कौन पढ़िया कनेक्टिव तो कौन कनेक्टिव तो देखो कनेक्टिव अच्छा कनेक्टिव वार्ड देखिए आम जानपरचे कनेक्शन हो कि कनेक्शन संजोग हो गोटे जिनस आउ गए जिन सागर मिसिकी संजोग हो कौन कनेक्शन कहते आम मैथमेटिकल टर्म में कहे कनेक्टिव सब बुझे कनेक्टिव तो ये कनेक्टिव टर्म आम कि मुंडे आईडिया आ आम रिजनिंग पढ़ुचे ना तो मुंडे आईडिया आसो रिजन आसो कौन पढ़ुचे कौन टार मुंड को आसती बुझे तो कनेक्टिव मैंने कौन गोटे किसी कनेक्शन हो तो कनेक्टिव गोटे छोटिया डेफिनेशन लिखि दूसरी देख टू और मोर प्रपोजिशन टू और मोर प्रपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाय कैन बी कंबाइंड बाय कनेक्टिव टू फॉर्म ए न्यू प्रपोजिशन सब बुझेगा मो कथा किसी कहनी ना कनेक्टिव कौन ना टू और मोर प्रपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाय कनेक्टिव टू फॉर्म ए न्यू प्रपोजिशन तो ये कनेक्टिव द्वारा कौन हुए दुटा प्रपोजिशन ये गोटे प्रपोजिशन धरता ये गोटे प्रपोजिशन ये गोटे प्रपोजिशन एटा प्रपोजिशन यही प्रपोजिशन टाइम प्रपोजिशन सागे कनेक्टिव द्वारा कौन हुए कंबाइंड हुए देखिए गुटे दुटा मिसिकी आउ गए प्रपोजिशन फॉर्म हो जाए क्या द्वारा कनेक्टिव द्वारा बुझे छुआ ठीक अच्छे तो ये कनेक्टिव देर आर कही देर आर फोर कनेक्टिव किज चार्टा कनेक्टिव किज कौन कौन ना छुआ एक नंबर कही दूसरी और दुई नंबर रे एंड तीन नंबर रे ओनली इफ सब बुझी आप लास्ट कौन चार नंबर इफ एंड ओनली इफ सो राइट डाउन टिके लिखि दियो पॉज करके लिखि दियो वीडियो पॉज कर लिखो लिबे हेबी अच्छा तो आम कौन पढ़ाई ना कनेक्टिव चार प्रकार अच्छी कौन और एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ बुझे आपको पढ़वा ठीक अच्छे तो लिबो छुआ अच्छा
ତ ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆସିବା, ମେନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆସିବା, ଛୁଆ ନେଗେସନ୍ ବୁକ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ବୁଝୁଛି ନେଗେସନ୍ କଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଗେସନ୍ ନେଗେସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ନେଗେସନ୍କୁ ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନେଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଡେଫିନେସନ୍ ଦେବା ବୁଝୁଛି ଧରତା ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଲି ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୁଝୁଛି ଏଟାକୁ ନାମକରଣ ଦେଇଦେଲି ପି ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପି ତୁମେ ଲେଖିଲି ଟୁଡ଼େ ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେ ବୁଝୁଛି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପି ଏଇ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ଟା କି ପି ବୁଝୁଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍କୁ ପି ଧରିଲେ କି କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ କି ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ଧରିପାରିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଛୁଆ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ନେଗେସନ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଛଟିଆ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେବା କ'ଣ ନା ଇଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଇଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପି ପିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ନେଇଛେ ନାଇଁ ଇଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପି ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ବୁଝିହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ନା ଇଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପି ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ବାଇ ଦି ୱାର୍ଡ଼୍ ନଟ୍ ବୁଝିହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ଇଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ବାଇ ଦି ୱାର୍ଡ଼୍ ନଟ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ତ କ'ଣ ହେବ ଦେନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଗେସନ୍ ହେଇଯିବ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପି ଆଉ ଡିନୋଟେଡ଼୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଡିନୋଟେଡ଼୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଏମ୍ସ ଚିହ୍ନ ନେଗେସନ୍ ପି ତ ପିଟା ଥିଲା ବୁଝିହେଉଛି ତାକୁ ନଟ୍ ୱାର୍ଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କରିବା କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛେ ଦେଖ ଛୁଆ ଭଲକି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ କ'ଣ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପି ନେଇଛି ଏଇଟାକୁ ପି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେ ତ ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପି ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବା ଖାଲି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ତ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେ ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସନ୍ଡେ ମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ଛୁଆ କହିଛେ ଭଲକି ଦେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଖାଲି ନଟ୍ ୱାର୍ଡ଼୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଦେଲେ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସନ୍ଡେ ତ ପେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ନା ନେଗେସନ୍ ପି ଛୁଆ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ନା ନେଗେସନ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ତା'ର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେ ଅଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସନ୍ଡେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଥିଲେ ଭୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ତା ଉଲ୍ଟାଟା ବୁଝିହେଉଛି ବାକି ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ଟ୍ରୁଥ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିବା ତା'ପରେ ନେଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରୁଥ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିବା ଛୁଆ ଦେଖ ଟ୍ରୁଥ୍ ଟେବୁଲ୍ ପି କ୍ୟୁ ସରି ପି ଏଇଟା କ'ଣ ଯିବ ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପି ଛୁଆ ଦେଖ ପିଟା ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେବ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଠି କ'ଣ ଯିବ ତା ଉଲ୍ଟା ଟ୍ରୁର ଉଲ୍ଟାଟା କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ଟା କ'ଣ ଫଲ୍ସ ନେଗେସନ୍ ପି ମିନ୍ସ ଫଲ୍ସ ଯଦି ଟ୍ରୁଟା ଫଲ୍ସ ହେଲା ନେଗେସନ୍ ପିଟା କିଛି ତା ଉଲ୍ଟା ଫଲ୍ସର ଉଲ୍ଟାରେ କ'ଣ ଟ୍ରୁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତ କ'ଣ ଟ୍ରୁଥ୍ ଟେବୁଲ୍ ତ ଲେଖିନୁ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ପଜ୍ କରି ଲେଖିଦେବ ଲିଭ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ ନେଗେସନ୍ ସରିଲା ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା କନଜକ୍ସନ୍ ବୁଝିହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନେଗେସନ୍ର ଛୁଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନେଗେସନ୍ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅ ଦି ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ସବ ଦେଖ ଭଲକି ଦି ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କ'ଣ କହିଲି ଛୁଆ ଦି ନେଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ତା ମାନେ ଛୁଆ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ର ନେଗେସନ୍ ହେବ ପି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ତା'ର ନେଗେସନ୍ କରିବା ମାନେ ନେଗେସନ୍ ପି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନେଗେସନ୍ ପିଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ହେବ ହଁ ଛୁଆ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ସନ୍ଡେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଟ୍ରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ପୁଣି ଏହାର ପ୍ରପୋଜିସନ୍ରୁ ଆମେ ନେଗେସନ୍ କଲେ ମାନେ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସନ୍ଡେ ନେଗେସନ୍ ହେଇଗଲା ନେଗେସନ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସନ୍ଡେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ସେ କହୁଛି ଟୁଡ଼େ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସନ୍ଡେ ମାନେ ଫଲ୍ସ ସେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ଭୁଲ ହେଲେ ବି ସେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ ନୋଟ୍ ଲେଖିପାରିଲ ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କନଜକ୍ସନ୍ ଛୁଆ କନଜକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ଅପ ପାଠ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି କନଜକ୍ସନ୍ ଛୁଆ କନଜକ୍ସନ୍କୁ ଭଲକି ଦେଖ କନଜକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ କନଜକ୍ସନ୍ ମାନେ
कौन टू स्टेटमेंट डेफिनेशन लिखी दूसरी टू स्टेटमेंट्स साधुटा मुझे लिखुची तुम मो सहित लिखि चलो आप बुझेबी से व्यस्त हो टू स्टेटमेंट बुझे टू स्टेटमेंट बा टू प्रपोजिशन बुझे टू स्टेटमेंट बा टू प्रपोजिशन कंबाइंड बुझे कंबाइंड बाय द व्हाट एंड बुझे टू प्रपोजिशन बा टू स्टेटमेंट कंबाइंड बाय द व्हाट एंड देन दैट इज कॉल्ड एज कौन छुआ कह ना कंजक्शन आनोट कमी कर डिनोटेड एज ना एमती धरता पी गोटे स्टेटमेंट है ठीक अच्छे डिनोटेडा कहे ठीक अच्छे आगे बुझे दूसरी डेफिनेशन कौन सर कौन कहला ना टू स्टेटमेंट दुटा स्टेटमेंट ये गोटे स्टेटमेंट ये गोटे स्टेटमेंट यही दुटा स्टेटमेंट कंबाइंड हम क्या द्वारा ना एंड एंड वार्ड द्वारा कंबाइंड हम सहीटा को आम कौन कह कंजक्शन तो गोटे एक्जामपल ना करवा विदाउट एक्जामपल दैट इज नथिंग पॉसिबल एक्जामपल ना रिजन करवा अंक मैथमेटिक्स आपको जी ठीक अच्छे तो चलो एक्जामपल गोटे ना कौन ना हरी वेंट टू मार्केट यहाँ धरता मुझे नी प्रपोजिशन गोटे पी प्रपोजिशन नी क्यू रे कौन नी ना हरी बट ए नोटबुक ठीक अच्छे कौन है ना पी प्रपोजिशन पी सेंटेंस कौन कहली हरी वेन टू मार्केट देन नेक्स्ट गोटे कौन है हरी बट ए नोटबुक तो यहाँ को आम कौन देते कनेक्ट कनेक्टिव कनेक्टिव कंजक्शन के सबसे कौन कनेक्टिव पूर्व ये कही पूर्व जस्ट टे पूर्व तो कौन है टू स्टेटमेंट दुटा स्टेटमेंट ये गोटे पी स्टेटमेंट ये क्यू स्टेटमेंट बा पी प्रपोजिशन क्यू प्रपोजिशन दुटा कंबाइंड हो क्या द्वारा एंड वार्ड द्वारा तो या डिनोटेड कमी कर दे देख डिनोटेड पी गोटे स्टेटमेंट रहा क्यू गोटे स्टेटमेंट तो पी कंजक्शन क्यू कमी लिखा जाए पी कंजक्शन क्यू सब बुझे पी कंजक्शन क्यू आपको कमी पढ़ा जाए पी कंजक्शन क्यू बुझे यहाँ कौन कहते चिन्हटा को पढ़ कंजक्शन ठीक अच्छे अच्छा तो ये वार्ड टाक लिखा पी कंजक्शन क्यू स्टेटमेंट कौन हो ना हरी वेंट टू मार्केट आप लगे एंड दुटा सेंटेंस को दुटा कौन स्टेटमेंट को मिसेबे ना कनेक्ट कर हरी वेंट टू मार्केट एंड बट ए नोटबुक सर ठीक अच्छे बुझे कौन कहला ना पी कंजक्शन क्यूटा हो गला कौन ना हरी वेंट टू मार्केट एंड बट ए नोटबुक क्लीयर अच्छा तापर यार कौन करवा छुआ गोटे ट्रुथ टेबल अंकीद देने कंजक्शन सरीज अच्छा ट्रुथ टेबलटा देख पी क्यू पी कंजक्शन क्यू सर ठीक अच्छे बुझे अच्छा सर ठीक लिखी सारे ना लिभ जगह सर्ट हो ठीक अच्छे अच्छा देखो ट्रू ट्रू यहीटा तो आम रोब पी जब गोटे सेंटेंस नवा दुटा सेंटेंस नवा पी भी ट्रू हो पारे क्यू भी ट्रू हो पारे किंबा पी ट्रू हो पारे क्यू फॉल्स हो पारे किंबा पी फॉल्स हो पारे क्यू ट्रू हो पारे किंबा पी भी फॉल्स क्यू भी फॉल्स तो यहाँ होप कर पी मैंने यहाँ बुझीपुर तो ये आसा कंजक्शन असली पी कंजक्शन क्यूटा कौन हम तो छुआ देख पी कंजक्शन क्यूटा कौन हम ना ये ट्रू ट्रू क्षेत्र में ये ट्रू हम बाकी समस्त क्षेत्र में ये फॉल्स हम सब बुझे मुझे कौन कहली ना ट्रू ट्रू थे ये ट्रू हम बाकी सब फॉल्स तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 राइट डाउन लिभेबा पज कर लिखि दियो ठीक अच्छे लिभो एबे छुआ देख जा डिसजंक्शन डिसजंक्शन तो बुझे डिसजंक्शन तो डिसजंक्शन को ठीक अच्छे डिसजंक्शन तो कौन डिसजंक्शन यार गोटे डेफिनेशन लिखिद बुझे कौन डेफिनेशन ना टू स्टेटमेंट कंबाइंड बुझे बाय द वर्ड और देन
दैट इज कोल्ड एज डिसजंक्शन, बुझे डिसजंक्शन या को डिनोट छो केमती कर जाए डिनोटेड एज ना पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक अच्छे। तो पी तो गोटे स्टेटमेंट, क्यू गोटे स्टेटमेंट, तो पी क्यू को कनेक्ट करी गोटे न्यू कौन प्रपोजिशन फॉर्म होगा दैट इज पी कॉम्बिनेशन पी डिसजंक्शन क्यू, बुझे होप कर पे बुझीपू आउ गए एग्जांपल ने भी आउ गए क्लियर से बुझीपर तर ट्रुथ टेबल अंक, ठीक अच्छे। तो छुआ देख एग्जांपल हाँ कि नहीं, तो फास्ट पी स्टेटमेंट नी कौन ना इट इज संडे, क्यू स्टेटमेंट कौन नी इट इज मंडे। तो मुझे यहाँ कंबाइन करमी सब बुझे ना बुझेनि यहाँ मुझे कंबाइन करमी हाँ कि नहीं। अच्छा छो देख यहाँ मुझे कंबाइन करी कौन हम ना पी डिसजंक्शन क्यू स्टेटमेंटा कौन है ओर लगे तो कमी देख छुआ इट इज संडे और मंडे, सब बुझेगा कौन ये वार्डटा कनेक्टिव वार्ड लगे कौन और तो कौन है डिसजंक्शन में आम कौन देखे दि स्टेटमेंट मैंने दुटा प्रपोजिशन क्या द्वारा यूज हे क्या द्वारा कनेक्ट हे ना और वार्ड द्वारा बुझे ताको डिनोटेड कमी कर देखे पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन चिन्हटा सिंबलटा यहाँ एग्जांपल देखे पी गुटे कौन कहला ना इट इज संडे क्यू कहला इट इज मंडे तो पी डिसजंक्शन क्यू कौन ना इट इज संडे और मंडे और वार्डटा लगेगा, ठीक अच्छे। एवं ट्रुथ टेबल अंकवा बाकी सरी जो डिसजंक्शन तो ट्रुथ टेबल छो देख देख ट्रुथ टेबल से पी रो क्यू रहा पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक अच्छे। जहाँ भी छो डाउट हो संगे संगे मत पचार बुझे ना कमेंट सेक्शन में मत पचारिद जहाँ डाउट हो ना नंबर दे मेसेज कर पार कि कॉल कर डायरेक्ट पचारिपर कि असुविधा ना देख छ। तो सेमती कौली कंजक्शन ये ट्रु हम ट्रु ट्रु ये तो सब नॉर्मल ना ट्रु 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 फॉल्स फॉल्स ट्रु फॉल्स फॉल्स, ठीक अच्छे। एवं आम डिसजंक्शन करवा पी डिसजंक्शन क्यू कौन हो ना पी डिसजंक्शन क्यू कौन छुआ से कौन होता ट्रु 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 होता कंजक्शन में बाकी सब फॉल्स होता है कौन हो ना फॉल्स 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 हो कौन हम फॉल्स 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 हो बाकी सब आम ट्रु हो बुझे ट्रु 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 हम ट्रु फॉल्स ट्रु हम फॉल्स ट्रु ट्रु हम फॉल्स 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 हम। तो हफ कर पाला डिसजंक्शन बुझीपार ठीक अच्छे पज कर लिखिद भिडियो टी एवं रखुची नेक्स्ट आरंभ करवा, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट पिला माने देखिबा कौन ना कंडीशनल, ठीक अच्छे। कंडीशनल देख छुआ कंडीशनल भाई आपको कौन कहते इम्प्लिकेशन हला इम्प्लिकेशन भी कहते, ठीक अच्छे। अच्छा तो छुआ देख डेफिनेशनटा ए कंडीशनल पी इम्प्लिकेशन क्यू तो यह डिनोट करा जाए केमती ना यह डिनोट करा जाए पी रहा स्टेटमेंट क्यू भी रहा दुटा रहा या सिंबल कौन है पी इम्प्लिकेशन क्यू बा पी कंडीशनल क्यू। तो डेफिनेशन टा देख ए कंडीशनल पी इम्प्लिकेशन क्यू इज फॉल्स सर के फॉल्स हुए इज फॉल्स व्हेन व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, सब बुझे ये कंडीशनल रे जो ट्रुथ टेबल रे पी इम्प्लिकेशन क्यूटा केत फॉल्स हो जब पीटा कौन हुए ट्रु हे आउ क्यूटा फॉल्स हो सर नॉर्मल कथा अच्छे गोटे एग्जांपल ना बुझीपर देन ट्रुथ टेबल करवा, ठीक अच्छे। एग्जांपल देख छो डर बहुत इजी अच्छे मैथमेटिक्स बहुत इजी बुझे तो देख छुआ पी रहा सरी एग्जांपल गोटे ना नहीं। अच्छा एग्जांपल ना कौन ना रीता हैज एटा धर पी स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट बा पी कम प्रपोजिशन रीता हैज 10 रुपीज, ठीक अच्छे। रीता हैज 10 रुपीज और क्यू स्टेटमेंट कौन नी ना सी विल बुझे सी विल रीता हैज 10 रुपीज एंड सी विल बाय ए वाटर बॉटल,
ठीक अच्छ तो याकु आमे रखिबा पी कंडीशनल क्यू बुझियौ जी बा पी कौन इम्प्लिकेशन क्यू कौन जीवो ना रीता कौन जीवो रीता सॉरी ये हमर ई फेंड देन ना ये कौन लगे ई फेंड देन सेट दल थले कौन कनेक्टिव थिला और तापर थिला एंड एठी कौन ई फेंड देन तो कौन जीवो इफ रीता हैज 10 रुपीज बुझियौ जी इफ रीता हैज 10 रुपीज देन बुझियौ जी देन सी कौन हो देन सी विल बाय ए वाटर बॉटल बुझियौ छुआ कौन पी इम्प्लिकेशन की गुड़ा कमी लिखिले ना इफ आउ देन एटी एड होगा ठीक अच्छे कौन है इफ रीता हैज 10 रुपीज देन सी विल बाय ए वाटर बॉटल नेक्स्ट आम कौन करवा ट्रुथ टेबल अंकन करदे इम्प्लिकेशन सरी जाए कम ठीक अच्छे अच्छा तो देख तो ट्रुथ टेबुलटा पी क्यू पी कंडीशनल क्यू बा पी इम्प्लिकेशन क्यू ठीक अच्छे छुआ ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स हप कर छुआ ए पी क्यू स्टेटमेंटा बुझीपार कौन हो बुझी देन आम जा कौन ना पी इम्प्लिकेशन क्यू छुआ बुझे पी इम्प्लिकेशन क्यू अच्छा छुआ देख पी इम्प्लिकेशन क्यू रे कौन आम पड़ते ना जिते बड़े पी स्टेटमेंटा ट्रु हुए आउ क्यू स्टेटमेंटा फल्स हुए से बड़े पी कंडीशनल क्यू बा पी इम्प्लिकेशन क्यूटा फल्स हो बाकी आ सब क्षेत्र में कौन ट्रु हम तो देखनी ट्रुथ टेबुलटा मन रखीद इम्प्लिकेशन रे कौन हुए ट्रु 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 हुए ट्रु फल्स फल्स हुए फल्स ट्रु ट्रु हुए फल्स फल्स ट्रु हुए हप कर पे बुझीपार नेक्स्ट आम जा बाई कंडीशनल डबल इम्प्लिकेशन ठीक अच्छे करेन्ट पड़ेगा पे तेणु लाइट्र टे व्यवस्था कम अच्छे तो टे एडजस्ट कर गोटे ही बोल जलुच्च लाइन करेन्ट पड़े ना ठीक अच्छे एडजस्ट टे कर बिकज स्टडी मीनस एडजस्टमेंट ना पाठ से कितना एडजस्टमेंट करें कि बाहर चतुर्पाश्वर जो टे कौन कमी रहीगला आम कौन एडजस्ट करने पड़ो ठीक अच्छे बाय कंडीशनल कौन कहुए डबल इम्प्लिकेशन छुआ देखा ना डबल इम्प्लिकेशन अच्छा डबल इम्प्लिकेशन को कमी डिनोट कर जाए डिनोट कमी कर जाए पी डबल इम्प्लिकेशन मैंने दि आड़ जा दि तीर थी तो पी गोटे स्टेटमेंट क्यू गोटे स्टेटमेंट तो पी डबल इम्प्लिकेशन मीनस ए बुझे पी डबल इम्प्लिकेशन बाय कंडीशनल क्यू या ही कह ठीक अच्छे तो नेक्स्ट टे काली पकईदेव पढ़ेगा तो छुआ देख बाय कंडीशनल बुझे तो बाय कंडीशनल आम देखिले कौन ना पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू तो यार आगे मुझे ट्रुथ टेबुल अंकन करदे गोटे कौन यार गोटे इंपोर्टेंट नोट लिखा ठीक अच्छे तो ट्रुथ टेबुलटा देख छुआ देख छुआ ट्रुथ टेबुल पी रहिबो की क्यू पी क्यू आउ कौन पी डबल इम्प्लिकेशन बा पी बाय कंडीशनल क्यू ठीक अच्छे पिले देख बुझे अच्छा हप कर पे बुझीपार ठीक से तो पी टा सेमती ये ट्रु ट्रु कहीं ना गोटे सेन्टेन्स आइदर ये भी ट्रु हो पारे आउ थे कही दूसरी ये ट्रु ये फल्स हो पारे किंबा ये फल्स ये ट्रु हो पारे किंबा दुटा जाक फल्स हो पारती हो कि ना तो एबे डबल इम्प्लिकेशन रे कौन हुए देखिए ना छुआ डबल इम्प्लिकेशन रे कौन हुए ना ट्रु 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 हम फल्स फल्स ट्रु हम बाकी सब फल्स हम तो बुझी धरता मुझे ट्रुटा को नहीं नेबी प्लस सैन आउ फल्सटा को नहीं नेबी माइनस सैन सब बुझी माइनस सैन तो देख प्लस 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 हुए आम जाचे हाईस्कल भी पढ़ुचे प्लस माइनस माइनस हुए माइनस हुए प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हुए तो सेम कंडीशन यही कंडीशन टाक मन में याद करा को भी तुम्हें करपर है ना जी आच्छा सहज अच्छी तो देखनी पी डबल इम्प्लिकेशन क्यूरो कौन ट्रुथ टेबुलटा बुझी तापर आम यार गोटे कौन इंपोर्टेंट नोट गोटे स्टार मार्क देखिए लिखिदेव कौन देख कमी फॉर्मेशन कर बुझे पी डबल इम्प्लिकेशन क्यूटा केमती आम फॉर्मेशन होती तो पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू स्टेटमेंटा आम केमती फॉर्म होती ना पी कंडीशनल क्यू आम पी कंडीशनल क्यू छुआ पढ़ी सारे तो पी कंडीशनल क्यू कंजक्शन क्यू कंडीशनल पी बुझे छुआ यार द्वारा कौन हो पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू कौन हो फॉर्म बुझे तो हप कर पे आम आज
जहाँ भी पढ़े सब बुझीपार्थ मुझे आउ थे भी कही छुआ कौन कौन आम पढ़े ना छुआ आज आम पढ़े प्रपोजिशन कौन स्टेटमेंट कौन क्या कहवा क्या स्टेटमेंट न कह बुझी हाँ छुआ मुझे छाड़ दे गोटे मन पड़ा कौन ना प्रपोजिशन क्या कह बुझीपारे कि सर आप तो कहे प्रपोजिशन क्या न कह छुआ कही दूसरी देख मन रख शुण ये लिखी दूसरी छुआ प्रपोजिशन क्या कहानी ना जो सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसटा कौन थी ना विस थी मैंने विस विस को सी इशारा करथु ऑर्डर करथु आउ कौन करथु ऑर्डर्ड विस एडवाइस बुझिजु जी ऑर्डर्ड विस एडवाइस बुझिजु जी जो सेंटेंसटा हमको विस करथु ऑर्डर माने ऑर्डर माने आदेश दबो एडवाइस उपदेश दे दिबो आउ कौन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आउ कौन एक्सक्लामेशन मान विस्म सूचक तो ये पाँच चार पाँच एटसेट्रा पाँच छटा यही सब क्षेत्र में कौन हो ना युड़ी सब प्रपोजिशन छुआ हम ना कहीं विस कर अर्डर कह जाओ सेटाक जाओ सेटाक जाओ गोटे अर्डर दिगला पा मोप आण आदेश दिगला तो यही सेन्टेन्सटा कौन हो पारे ये भी हो पारे ये भी हो पारे बुझे बुझी देन आसा एडभाइस उपदेश दिजो पाठ पढ़ मन लगे पाठ पढ़ ये कौन कर बड़ चाकरी कर ना पाठ पढ़ी भल मनीष हो बड़ मनीष नुह बुझे तो ये एडवाइस भी ये भी हेनी क्वेश्चन मार्क इज राम गोइंग टू मार्केट राम हाट को जाइला कि क्वेश्चन मार्क ना तो ये भी हेनी प्रपोजिशन नेक्स्ट आसा कौन एक्सक्लामेटरी हाउ क्यूट इज दिस हाउ क्यूट ये झीटी कितने सुंदर देखा से पुओटी केमती सुंदर देखा हाउ हैंडसम इज इट तो कौन एक्सक्लामेटरी विस्म सूचक ये भी हम ना तो मुझे कह गए सेन्टेन्स ह्वाट इज योर नेम ह्वाट इज योर नेम छुआ यहाँ हो पार कि गोटे प्रपोजिशन ना कदापि हम नहीं कहीं गोटे क्वेश्चन मार्क रही मैंने गोटे क्वेश्चन चिन्ह बुझे मैंने गोटे क्वेश्चन सेन्टेन्स क्वेश्चन अच्छे तो आम ये लिखिले क्वेश्चन गुड़ाक कौन हो पार प्रपोजिशन हो पार ना हब करते पाला आज क्लास में किसी छाड़ी नहीं कि पढ़ेगा क्या ठीक से पढ़े तो भल से पढ़ी नब कौन पढ़े आम आज प्रपोजिशन पढ़ले स्टेटमेंट पढ़ले कौटा स्टेटमेंट हम कौटा स्टेटमेंट हम ना पढ़ले कनेक्टिव पढ़ले कौन कौन कनेक्टिव अच्छी देखिले कौन नेगेशन पढ़ले कंजक्शन पढ़ले डिसजंक्शन पढ़ले इम्प्लिकेशन पढ़ले डबल इम्प्लिकेशन पढ़ले नेक्स्ट क्लास में कौन पढ़ा ना कंट्रापोजिटिव कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव ये सब पढ़ा बुझे तो आज ये ट्राए कर सब कौन एक्जामपल दे एक्जामपल बेसीस किसी क्वेश्चन करने बुझे जहाँ किसी डाउट हो छुआ कमेंट सेक्शन में मतलब पचारि पार ना तुम नंबर दे दीजिए आउ थे लिखी दे 7064230128 ओन एनी डाउट बुझे सबकि दिजो सबकि प्रोवाइड करदेवि जहाँ दरकार हे किसी डाउट थी मुझे पचारि पार आउ छुआ चैनल टी केवल प्लस टू पर नुहे यह बस प्लस टू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स प्लस टू सेकंड ईयर मैथमेटिक्स विथ प्लस थ्री जनरल इलेक्टिव जो अच्छे अनर्स पाला फिजिक्स फिजिक्स मैंने हूँ कि केमिस्ट्री अनर्स पाला हूँ जी इलेक्टिव ये सबकि कम्प्लीट कर दिए पूरा फ्री अफ कस्ट आउ प्लस थ्री मैथमेटिक्स अनर्स छटा तक सेमिस्टर सब पेपर भी फ्री अफ कस्ट कर तो पाने निज निजर बड़ भाई भौणी किंवा सांगसाथी मानक सेयार कर बुझे आउ भिडी भल लगे लाइक सेयार सब्सक्राइब कर कहीं तुम मैं लाइक सेयार सब्सक्राइब कौन आमको मोटेसन मिले आउ जहाँ भी किसी डाउट रोक छुआ कमेंट सेक्शन में पचार तो हब कर पे आज सब बुझीपार तो आज के भिडियो ये एंड कर देखा नेक्स्ट क्लास बुझे।